तब मैं अपने सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है उसने बहुत मेहनत करी है और आदरणीय प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है उसको जो है मुझे लगता है कि एक गति प्रदान करी है। साथ ही साथ पुनः जो है जो हम जम्मू कश्मीर में नहीं अपनी सरकार बना पाए उसके लिए मुझे अफसोस है, परंतु मैं यही कहूंगी कि पूरी निष्ठा के साथ पूरी जो है मेहनत के साथ जो है हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां भी काम किया है। जनता का जो आदेश होता है वो सर्वमान्य होता है और जनता का जो भी फैसला है वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मैं यही समझती हूं कि हम बढ़त बनाएंगे और जो भी है हम तो यहाँ पे सेवा करने के लिए आए हैं और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद का परचम फैला रही है। हर जगह आप देख रहे हैं कि यह जो है सिर्फ पार्टी का ही नहीं अपितु देश का चुनाव मान करके लोग चुनाव जो है जिताते हैं, तो मैं समझती हूं कि लोगों का बहुत भरोसा है। बाकी हरियाणा में सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, जम्मू कश्मीर में भी जो लोग जीते हैं भारतीय जनता पार्टी से उनको बहुत बधाई, परंतु वहां पर जो भी सीटों का परिणाम होगा वह हम लोगों को मान्य होगा। जी तब मैं अपने सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है उसने बहुत मेहनत करी है और आदरणीय प्रधानमंत्री का जो लक्ष्य है उसको जो है मुझे लगता है कि एक गति प्रदान करी है। साथ ही साथ पुनः जो है जो हम जम्मू कश्मीर में नहीं अपनी सरकार बना पाए उसके लिए मुझे अफसोस है, परंतु मैं यही कहूंगी कि पूरी निष्ठा के साथ पूरी जो है मेहनत के साथ जो है हमारे कार्यकर्ताओं ने वहां भी काम किया है। जनता का जो आदेश होता है वो सर्वमान्य होता है और जनता का जो भी फैसला है वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। मैं यही समझती हूं कि हम बढ़त बनाएंगे और जो भी है हम तो यहाँ पे सेवा करने के लिए आए हैं और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद का परचम फैला रही है। हर जगह आप देख रहे हैं कि यह जो है सिर्फ पार्टी का ही नहीं अपितु देश का चुनाव मान करके लोग चुनाव जो है जिताते हैं, तो मैं समझती हूं कि लोगों का बहुत भरोसा है। बाकी हरियाणा में सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, जम्मू कश्मीर में भी जो लोग जीते हैं भारतीय जनता पार्टी से उनको बहुत बधाई, परंतु वहां पर जो भी सीटों का परिणाम होगा वह हम लोगों को मान्य होगा। जी अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।